गुफा में चट्टानों के बीच फंसे कंबोडिया के 28 साल के युवक सुम बोरा की हालत अब ठीक है। वह 4 दिन तक चट्टानों के बीच रहा था। उसे रैपिड रेस्क्यू कंपनी 711 के 200 जवानों की बचाव टीम ने चट्टानों को काटकर निकाला था। दरअसल सुम उर्वरक बनाने के लिए चमगादड़ कमल एकत्रित करने 4 अगस्त को गुफा में घुसा था। टॉर्च की फ्लैशलाइट ठीक करते वक्त वे फिसल कर 2 चट्टानों के बीच फंस गया था। 3 दिन तक घर नहीं आने पर सुम बोरा के भाई ने उसे 4वें दिन उत्तर पश्चिमी प्रांत बटम्बांग के चकेरी पर्वत के जंगलों में स्थित गुफा की चट्टानों में फंसा पाया था। इसकी जानकारी बचाव अधिकारियों की दी। इसके बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। 7 अगस्त को उसे रेस्क्यू किया गया। अस्पताल जाते हुए सुम बोरा ने कहा, मैंने जीवित रहने की आस छोड़ दी थी। अगर मेरे पास चाकू होता तो आत्महत्या कर लेता। 200 बचाव कर्मियों ने बचाया। बचाव अभियान के मेजर सरेथ विसेन के मुताबिक सुम बोरा को लगभग 200 बचाव कर्मियों ने बुधवार शाम 6 बजे चट्टानों को काटकर निकाला। वह काफी कमजोर हो गया था। उसे प्रांतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है रैपिड रेस्क्यू कंपनी 711। रैपिड रेस्क्यू कंपनी 711 एक सपर्प्स की टीम है। यह प्रधानमंत्री हुन सेन के विशेष सैन्य बॉडीगार्ड ब्रिगेड से जुड़ी है। कंपनी 711 के जवानों ने ही जून में सिहानोकविले में 1-7 मंजिला इमारत ढह जाने के बाद बचाव ऑपरेशन चलाया था। इस घटना में 24 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे गरीब देशों में से एक है कंबोडिया। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। उसकी 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। देश की जनसंख्या 15 करोड़ है। इस कारण यहां बहुत से किसान चमगादड़ों का मल एकत्रित करते हैं जिसका इस्तेमाल उर्वरक में होता है। इससे इन किसानों की कुछ कमाई हो जाती है।